दमोह जिले में एक बार फिर बारिश किसानों की उपज पर आफत बनकर बरसी है। बता दें कि पिछले दो दिनों से जिले में हो रही बारिश से मड़ियादो, लोहारी, सनकुइया, देवरी सहित कई समितियों के माध्यम से खरीदा गया उड़द और किसानों का बिना खरीदा उड़द मंडी में खुले में रखे होने के कारण भीगने के बाद खराब हो गया है। किसानों की हालत पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मंडी में अब भी खरीदी की आस लगाए अन्नदाता ठंड में दिन रात इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों की भी कमी नहीं है, जो कि मंडी पहुंचकर इनके साथ आंदोलन तो करते हैं, लेकिन समितियों की मनमानी और अव्यवस्थाओं में सुधार कराने में नाकाम साबित हुए हैं। गांव से आए, पुरैना गांव से आए हैं हम, उड़दा बेचने के लिए आए थे। अभी तक एक हफ्ता हो गया है यहाँ पर आए हुए। रात में मुश्किल से बोरी मिली है हमको, जिसमें हमने अपना उड़दा भरा है, वो भी रात में भींग गया है। शासन की तरफ से ना कोई अधिकारी देखने को आया है, ना कोई सुनवाई हो रही है अभी तक, और पूरा किसान परेशान है। अभी तक अभी सुनने में आया है कि पोर्टल बंद हो गया है, तो इसी बीच जो किसान का माल फीड नहीं हुआ है वो भीग गया है, तुलाई हो चुकी है, लेकिन उस माल का हम लोगों को क्या होगा। उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई अधिकारी आए और हमको एक ठोस आश्वासन दे कि इस जो माल आप वर्तमान में मंडी में रखा हुआ है वो भीग गया है, उसका उचित निराकरण करे। माल लाए हैं, मीडिया जीरो होगा और घर परेशानी के चक्कर के इसमें पड़े हैं और न फीलिंग हो रही है, उसकी खुलगा है माल, न सिलाई हो रही है, सिलाई वाली भी नहीं मिल रही है, ऐसी सब परेशानियां हैं, भटक रहे ना है कि माल। कितना माल लाए थे? 15 बोरी माल। अभी तुला भी नहीं है? तुलगाओ माल, मतलब तुलगाओ है माल, उसकी अभी न सिलाई हो रही है और न गिनती हो रही और न फीडिंग हो रही है।